हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। तो आज हम बाकी की स्टेट्स को कवर करेंगे, नेशनल पार्क की। हमने पिछले लेक्चर में सारी कवर कर ली है, लेकिन आज हम बस पूरी सब कवर ही हो गई है। बस कुछ स्टेट्स की, बस यही जो रिमेनिंग स्टेट्स है इसी के नेशनल पार्क बचे हुए हैं। तो या तो आज कवर करेंगे, नहीं तो उसके बाद एक आखिरी लेक्चर आएगा उसमें सब कवर कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहार की नेशनल पार्क कवर करेंगे। देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर भारत में गंडक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये इंडो नेपाल सीमा पर भारत में गंडक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय शिवालिकों की तलहटी की परिधि का परिदृश्य चट्टानों, लकीरें, गोरक्षक पहाड़ियों, नालों और घाटियों की पच्चीकारी के साथ है। घने जंगल, खुले जंगल, घास के मैदान, दलदली और नदी के किनारे पर, ठीक है। उसके बाद देश के गंगा के मैदानी इलाकों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई ट्रैक्स का संयोजन है। अब एनिमल्स देखिए, यहाँ पे आपको जानवर कौन कौन से मिलेंगे। देखिए बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक ब्लैक बियर, इंडियन स्लॉथ बियर, ऑटर, इंडियन लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड वाटर बफेलो, वाइल्ड बोअर, ये सब देखने को आपको मिलेगा। बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, सांबर, ब्लू बुल, ये सब आपको देखने मिलेगा। और भी आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रिप हाइना, लेपर्ड, कैट फिशिंग, कैट लंगूर, मंकी, फ्लाइंग स्क्वायरल, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गोर, मंगूस, ये सब भी आपको जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बर्ड्स देख लीजिए, कलिज फिजेंट, थ्री टॉड, क्वेल, पैराडाइज, फ्लाई कैचर, ग्रे स्ट्राइक, ग्रीन विलो, वॉर्बल वॉर्बलर, ट्री पिपेट, वाइट आई वॉर्बलर, ग्रीन बारबेट, वॉटर्स, आइबिसेस, स्टॉक्स, पिट्टा, प्लोवर्स, स्नाइप्स, पाइड हॉर्नबिल, वाइट ईयर्ड, नाइट हेरॉन, इमरेल्ड टॉप। अब देखो इतना सारा तो याद कर ही नहीं पाओगे क्योंकि रोबोट तो हो नहीं कोई, ठीक है, ये सब बहुत टफ होता है। तो अभी हम एक स्पीशीज की इंपॉर्टेंट लेके आएंगे सीरीज, तो उसमें से आप लिस्ट आउट करना, तो उसमें से आप पढ़ लेना, तो वही बस इंपॉर्टेंट होगी। इतना याद नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल होता है यार, हमको तो कोई भी नहीं याद कर पाएगा, बड़े से बड़ा धुरंधर इतना सब याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ कुछ जो पूरे साल न्यूज में रहता है बस वो याद कर लेना, बस उतना काफी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग फ्लोरा देखते हैं, जैसे डन चॉल फॉरेस्ट, ड्राई शिवालिक सॉल फॉरेस्ट, वेस्ट गंजेटिक मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, खैर सिसु फॉरेस्ट, केन ब्रेक्स, ईस्टर्न वेट एलुवियल ग्रासलैंड, बोरिंगटोनिया स्वैम्प फॉरेस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने देखा वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में जो बिहार। तो चलिए अब हम छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क देखते हैं। देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क है जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका नाम पास के इंद्रावती नदी से पड़ा है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादी में से एक है, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल एरिया जो है इसका 2799 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और उसको नेशनल पार्क का स्टेटस जो है वो 1981 में मिला था। मतलब ये 1981 में नेशनल पार्क घोषित हुआ था, और ये टाइगर रिजर्व जो था 1983 में घोषित हुआ था। और फेमस प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उसके अंडर आता है ये, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व है इंडिया का ये, ठीक है। तो 2799 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और उसको नेशनल पार्क का स्टेटस जो है वो 1981 में मिला था, और टाइगर रिजर्व का 1983 में मिला था, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आता है ये। अब फ्लोरा देखिए, यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क में ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और बेम्बू, सॉल, टीक, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लग्जरियंट ग्रासलैंड के पैचेस देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा खाना प्रोवाइड करते हैं हर्बीवोरस के लिए, जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलो, चीटल, बार्किंडियर, नीलगाय, गौर। और मोस्ट कॉमन ट्री इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा टीक, लेंडिया, सलाई, महुआ, टेंडू, सेमल, हल्दू, बेर, जामुन, ये सब आपको यहाँ पे कॉमन ट्रीज देखने को मिलेंगे। अब वाइल्ड लाइफ देखिए, यहाँ पे आपको एशियन बफेलो देखने को मिलेगा, वाइल्ड एशियन बफेलो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे गौर, नीलगाय, ब्लैक बक, चौसिंघा, सांबर चीतल, इंडियन मुंजैक, इंडियन स्पॉटेड चेवरोटेन, वाइल्ड बोर, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे जानवर देखने मिलेंगे। उसी के साथ आपको टाइगर्स, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, स्ट्रिप्ड हाइना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने देखा इंद्रावती नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे कांगर घाटी नेशनल पार्क। देखिए कांगर घाटी नेशनल पार्क जो है, इसको हम लोग कांगर वैली नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक
है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1992 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल पार्क 1992 में डिक्लेयर किया था, और इसको कांगर वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये है बस्तर रीजन में, जगदलपुर है उसके पास ये नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इंडिया का वन ऑफ द घने नेशनल पार्क में से एक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइमस्टोन केव्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको बस्तर हिल मैना जो स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, बस्तर हिल मैना भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ की। एनिमल्स देखिए कांगर वैली नेशनल पार्क में, जैसे टाइगर्स, लेपर्ड्स, माउस डियर, वाइल्ड कैट, चीतल, सांबर, बार्किंग डियर, जैकॉल, लंगूर, रेसस मकाक, स्लॉथ बियर, फ्लाइंग स्क्वायरल, वाइल्ड बोर, स्टेट हाइना, रैबिट्स, पाइथन, कोबरा, क्रोकोडाइल, मॉनिटर लिजार्ड, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एवियन फौना देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि हिल मैना, स्पॉटेड आउलेट, रेड जंगल फाउल, और आपको रैकेट टेल्ड ड्रोंगोस, पिकॉक्स, पैरेट्स, स्टेप ईगल्स, रेड स्पर फाउल, पाक्टा, भूरा टेटर, ट्री पाई, हेरॉन, और भी आपको बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स और जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे संजय नेशनल पार्क। देखिए संजय नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है और मध्य प्रदेश के सिद्धि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करता है नेशनल पार्क। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है और मध्य प्रदेश के सिद्धि सिंगरौली को भी कवर करता है ये नेशनल पार्क। इसका एरिया जो है 466.657 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 466.657 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है। अब ये नेशनल पार्क जो है ज्यादातर यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सखुआ के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जानवर देखिए, जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, चिंकारा, सिवेट, पर्कुपाइन, मॉनिटर लिजार्ट, और बर्ड्स की 309 स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब 309 स्पीशीज तो याद नहीं रख पाओगे बर्ड्स की, ठीक है ना, तीन ही चार बहुत मुश्किल होता है यार। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट बर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे गोल्डन हुडेड ओरियोल, रैकेट टेल ड्रोंगो, इंडियन पिटा, रुफस ट्रिपी, वल्चर, सिनेरियस वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, नाइट जार, ये सब आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगी। तो ये हमने देखा छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, अब हम देखेंगे झारखंड के नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। देखिए बेतला नेशनल पार्क जो है ये नेशनल पार्क है जो छोटा नागपुर प्लेटू पे लोकेटेड है, कहाँ पे, लथियार और पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, झारखंड के पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट और लथियार के छोटा नागपुर प्लेटू में ये नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ बहुत देखने को मिलेंगी इस नेशनल पार्क में। इसका एरिया जो है 1026 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और एडिशनल नेशनल पार्क में ये एरिया मतलब 226 किलोमीटर जो था ऐड किया गया था 1989 में, और 63 किलोमीटर जो था इसमें ऐड किया गया था महुदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी इसमें। ठीक है, बेतला जो होता है फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया में जो कि टाइगर रिजर्व था। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लेके आए थे और वन ऑफ द नेशनल पार्क था इंडिया में जो टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। उसके बाद पार्क जो है ये किसके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि सॉल, बंबू और मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्थ कोयल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो फ्लो होती है इस पार्क के नॉर्दर्न पोर्शन से। ठीक है, और ग्रासलैंड को प्रोड्यूस करती है, तो नॉर्थ कोयल रिवर और ट्रिब्यूटरी जो है वो इसके नॉर्दर्न पोर्शन से फ्लो होती है इस पार्क के। एनिमल्स देखिए, स्लॉथ बियर हुआ, पेंथर हुआ, वुल, जैकॉल, हाइना, गौर, चीतल, लंगूर, रेसस मंकीज, इंडियन जैट स्क्वायरल, माउस डियर, सांबर डियर, पोर्क्यूपाइन, मंगूज। बर्ड्स आप देखिए, हॉर्नबिल, पीफॉल, रेड जंगल फाउल, ब्लैक पार्टरेज, व्हाइट नेक्ड स्टॉर्क, ब्लैक इबीस, स्वयं ग्रे क्वेल, पाइड हॉर्नबिल, वॉकटेल, हरियाल, डॉव, विस्लिंग, कॉटन टील, नॉप बिल्ड डक, ये सब आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने मिलेंगी। तो ये दोस्तों हमने झारखंड का नेशनल पार्क देखा, बेतला नेशनल पार्क। अब अगले लेक्चर में हम लोग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क कवर करेंगे, उसी के साथ हमारी नेशनल पार्क की सीरीज भी कवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही लेक्चर था दोस्तों, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।